फ्रेंड्स, आप लोग का मैं सोनी बुटीक से मैं स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं पटियाला कटिंग करने वाली हूँ, तो मैं इसको वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। 3.5 मीटर ये कपड़ा लिया है मेरा। लंबाई चौड़ाई काफ़ी इसका अरज बेसी है, एक बराबर है। तो मैंने पहले बीचों बीच पार्ट को इसको 4 फोल्ड में इसको फोल्ड करना है। 2 फोल्ड पहले कर लीजिए, उसके बाद मोड़ते हुए 4 फोल्ड करके इसको माप करके 31 पर मैंने बीच पार्ट को निकाला है। मैं इसका 7 इंच जो है यहाँ पर बेल्ट के लिए मैं लूँगी। 31 इंच मैंने यहाँ बीच पार्ट को यहाँ निशान लगा रही हूँ। एक बराबर करते हुए इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पर हल्का सा 3 इंच इसको यहाँ बॉटम पार्ट के लिए तिरछा करके यहाँ कट करना है, ताकि ये यहाँ पर कलियाँ अच्छे से बैठ सके। ऐसे करने से यहाँ पर जो है बॉटम पार्ट का बहुत सुंदर से आता है लुक। एक बराबर इसको हल्का सा कुट करते हुए बस मैंने कटिंग कर लिया है। ये बीच पार्ट को मैंने निकाल दिया है। जो ज़्यादा कपड़ा है मैं इसको हल्का सा शेप दे रही हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अब मैं क्या करूंगी कि इस जो है बेल्ट को मैं पहले निकालूंगी। कमर बेल्ट पहले निकालना है इसको। तो मैंने इस डबल मैंने कपड़े में इसको 10 इंच पर मैंने निकाला है, तो मेरा जो है 2 इंच जाएगा इसका नाड़ा के लिए और जाएगा इसका स्टिच के लिए। मेरा 7.5 इंच इसका बचेगा, तो हमको इसको 7 इंच ही रखना है। तो हल्का सा बाद में मैं कपड़े को छट कर दूंगी। मैंने बटन इसको जो है बेल्ट को निकाल लिया है। अब मैं 4 कलियाँ को हमको निकालना है इस कपड़े में से, तो मेरा कपड़ा का घेर बहुत ज़्यादा है। तो इसको डबल फोल्ड में मैं इसको पहले करके मैं इसको कपड़े को अच्छे से सरियाते हुए तह करते हुए इसको फैला ले रही हूँ। अब मैं इस बीच पार्ट के जो है पार्ट को मैंने निकाला है, जो बीच पार्ट मैं उससे मैं इसका मैं माप करूंगी और मैं उसको माप करते हुए 9 इंच छोड़ते हुए आसन के लिए मैं यहाँ पर माप कर ली हूँ। मैंने यहाँ पर 9 इंच पर आसन के लिए जो है यहाँ पर निशान को लगाया है। अब स्केल से मैंने या इस साइड से मैं उस साइड तक यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर लेना है। एक बराबर बीचों बीच कलियाँ को एक बराबर करते हुए कपड़े को करना है। पूरा लाइन ड्रॉ करते हुए इसको जो है
इसका तो जो है फिल जो ज़्यादा हो जा रहा है 2.5 मीटर पूरा टोटल, एक एक साइड का 1.5 मीटर का हो रहा है। तो मैं इस लाइन से इस लाइन को ड्रॉ कर लिया है और मैं यहाँ जैसे यहाँ 9 इंच पे मैं इस तरफ आसन को मैंने टिक लगाया है, वैसे उस साइड में भी टिक लगा करके मैं लाइन को एक बराबर ड्रॉ करते हुए इस लाइन से इस लाइन को मैं मिला दूँगी। मैं पूरा इसको बीचों बीच काटते हुए मैं कटिंग करते हुए पूरा यहाँ आसन तक मैं इसको कट कर लूँगी। और जो ज़्यादा मेरा कपड़ा है उसको कट करके मैं छट करके निकाल दूँगी। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच कपड़े को ज़्यादा लिया है क्योंकि नीचे वाला कपड़ा जो है हल्का सा तिरछा सा वहाँ कम है, इसलिए इसको लेना पड़ रहा है। और मेरा ये कटिंग हो गया है और मैं इसको जोड़ करके दिखा रही हूँ यहाँ पर फैला करके आप लोग को। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।